हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रत्ना। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो जो है फ्रेंडशिप डे आने वाला है, तो हम चलिए हम लोग कुछ गिफ्ट बना लेते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही लो कॉस्ट होने वाला है, तो आप ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। जैसे कि आपको पता चले कि हमने घर में ही रखे हुए सामान से कैसे इसकी DIY करी है, और बहुत सारे गिफ्ट बनाए हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, तो आप भी बना सकते हैं इस तरह से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट बनाऊंगी एक फ्रेंडशिप डे के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये ऐसा कार्डबोर्ड ले लिया है, इसको मतलब डबल है ये, मैंने इसको पेस्ट कर लिया है ऑलरेडी। और अब इसको साइड में हम जो है इसमें मास्किंग टेप लगाएंगे। इस तरह से, ताकि इसका जो है जो साइड है वो इक्वल दिखे, ख़राब ना दिखे। ये मास्किंग टेप लगाने के बाद मैंने जो है एक फ़ोटो के साइज़ का एक पेपर कट करके इस पर पेस्ट कर लिया है, जैसे कि हमारा फ़ोटो यहीं पे लगेगा। इस पर मैं जो है फ़ोटो यहाँ पे फ़ोटो लगेगी। अब हम इसको साइड को कुछ डिटेलिंग्स दे देंगे डेकोरेशन के लिए। आप कुछ भी बना सकते, सर्कल पे पेस्ट कर रही हूँ जो मैंने पहले से ड्रॉ कर रखे थे। अब हम इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इस पे कलर करेंगे। ये हमारा क्ले जो है ड्राई हो गया है। अब हम इसको जो है पहले मैं इस साइड में ये एक्रेलिक कलर से इसको कलर कर लूँगी, इसका बेस वाइट करूँगी मैं, उसके बाद हम दूसरा कलर करेंगे। ये हमारा वाइट कोट जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। ये वाइट कलर सूखने के बाद मैं जो है इसको येलो कलर से कर रही हूँ। आप चाहे जो भी कलर करिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे है, आप चाहे जो कलर करें। अब हम इस सर्कस में जो है इस तरह से मिरर लगा लेंगे। इस तरह से मिरर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जो है रेडी हो गया है। अब ये जो रोप है मेरे पास एक इस तरह से जूट रोप है ये, इसको मैं अब साइड से लगा दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं। हो गया है। अब जो है हम इसमें जो है इस तरह से, कोई आपके पास फ़ोटो हो तो फ़ोटो लगा लीजिए, या फिर आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं फ्रेंडशिप का। तो ये मेरी बेटी की फ़ोटो है और उसकी फ्रेंड की फ़ोटो है, तो मैं यही लगा रही हूँ। अभी मेरे पास यही है तो मैं ये लगा दे रही हूँ।
बाद में कुछ भी लगा सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से हटा के। इस तरह से रेडी हो गया हमारा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंडशिप गिफ्ट रेडी हो गया, और आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, आप एक बात और बताइएगा, इसमें से मेरी बेटी कौन सी है, आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। देखते हैं कितने लोग को पता है कि मेरी बेटी कौन सी है, क्योंकि वो भी वीडियोस में मेरे आते रहती है, तो जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा। फ्रेंडशिप डे हो और हम फ्रेंडशिप बैंड ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हम चलिए फ्रेंडशिप बैंड भी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ग्लिटर शीट लिया है, आप कोई भी कलर का ग्लिटर शीट ले सकते हैं, मैंने जो है रेड कलर का लिया है। और इस तरह के फॉर्म मिल जाते हैं, जैसे कि हम लोग कभी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें मिल जाता है। मैंने ये पर्स परचेज किया था तो इसके अंदर ये रहता है उस जो है। तो हम इस तरह से हम ले लेंगे और इसको कट कर लेंगे इस तरह से। इतने में ही हमारे चार फ्रेंडशिप बैंड बन जाएंगे इस तरह से, सिंपली जो है इसके साइज का ही हम स्क्वायर शेप पे इसको कट कर लेंगे एकदम इक्वल। ये हो गया, इसी के साइज़ का हम जो है ये ग्लिटर शीट भी कट कर लेंगे, इसे रख के मार्क लगा लेंगे और जो है कट कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये बनाना, आप बना सकते हैं बहुत ही ईजी, आपके बच्चे भी बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए एकदम ईजी है ये बनाना। बस ये है कि कटिंग का काम आपको करना पड़ेगा, बच्चों को सीजर नहीं दें जो है। बस इसको हम सिंपली जो है पेस्ट कर लेंगे, इसी के साथ में ये थ्रेड भी लगा दूंगी इसके साथ। इस तरह से चारों तरफ लगा देंगे पूरे में। अभी हो गया बस, मेक श्योर जो है इसको हम इस तरह से लगाएंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे और थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। बस ये रेडी हो रहा है, बस हो गया है। अब इसमें हम बस ये है जो है सितारे मेरे पास हैं, ये स्टेशनरी शॉप को आप शॉप में आपको मिल जाएगा आराम से, आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसको इसमें पेस्ट कर देंगे, बस सिंपल सा फेविकोल से सरल से। तो हमारा जो है ये रेडी हो गया है फ्रेंडशिप बैंड इस तरह से। मैंने ये भी ग्लिटर पेपर से ही कट करके ये भी लगा दिया है इस तरह से बीच में, और इसमें हार्ट शेप का कट करके लगा दिया। अगर आपके पास ग्लिटर शीट नहीं है तो आप इस तरह से पोम पोम, अगर आपके पास हो तो पोम पोम लगा दीजिए, कोई मोती हो वो लगा दीजिए। और जो है हमारा ये फ्रेंडशिप बैंड रेडी है, और जो है अपने फ्रेंड्स को टाई कीजिए। और अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपने ये कहाँ से बनाना सीखा, तो उनके साथ मेरी वीडियो भी शेयर कीजिए।
और हाँ, आपको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से दो फ्लावर शेप कट कर लिए मैंने, इस तरह से दो, एक बड़ा एक छोटा, और सिर्फ सिंपली जो है इस पे हम पहले थ्रेड जो है पेस्ट कर देंगे अपना, ये इस तरह से। और उसके बाद उस पर हम अपना ये पोम पोम लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद ये फ्लावर लगा देंगे फिर से इसके ऊपर। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाना, इसको तो कोई भी बना सकता है इस तरह से। ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं है जो आपके पास अवेलेबल ना हो। ये जो है रेडी हो गया, एक हमारा ये भी रेडी हो गया। और हाँ, इस तरह से हम बना के, अब रक्षाबंधन आ रहा है उस पर भी हम इस तरह से राखी बना सकते हैं, और फ्रेंडशिप बैंड भी बना सकते हैं। इस तरह से रेडी हो गया, कितने सारे गिफ्ट रेडी हो गए हमारे घर पर ही, घर में पड़े सामान से ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो है आपके ये गिफ्ट कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और जो है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी फ्रेंडशिप डे।